So hey guys, so today I have a very important work to do. So ये मेरे पीछे देख रहे हो, ये हमने छोटा वो कबर्ड लाया है प्लास्टिक वाला. तो क्योंकि मेरे कपड़े बहुत मैसी से पड़े, मैं आपको दिखाती हूँ आगे, तो वो मुझे आज इसमें पूरा जमाना है. पूरा तो नहीं होगा, बट लेट्स ट्राई थोड़ा सा करने का. कबर्ड, लेट्स फील इट. पूरा फिलहाल तो ऑफकोर्स खाली है, मैंने लिटरली इसमें कुछ भी नहीं भरा है. कब से ये काम पेंडिंग चल रहा था. सो टुडे वी हैव टू डू. गाइस, दिस इज माय टॉप्स. बहुत ही ज्यादा मैसी तरीके से पड़े, बट या एंड थोड़े से ऊपर ये सब जीन्स तो मेरे पास इतना है, बट मैं पहनती गिने चुने हूँ. एंड ये थोड़े घेरे पड़े भी है, बहुत ही गंदा है, बट या. सो गाइज, ये कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं जो मेरे रेगुलर वेयर के लिए होते हैं, क्लासेस के लिए. तो पहले हम इसको अच्छे से अवर के रखेंगे. दिस इज बाय द वे वन ऑफ माय फेवरेट टॉप. ये बैग जो है ना, काफी ज्यादा प्रिटी है. लाइक आई जस्ट लव दिस टॉप. गाइज, ये टॉप भी बहुत ज्यादा प्रिटी है. लाइक सी द बैग, इतना अच्छे बैग वाले. तो मैंने थोड़े बहुत कपड़े जमाए, तो यहाँ पे अब मैंने सोच लिया एक्चुअली कि मैं क्या रखूंगी. यहाँ पे मैं रखूंगी मेरे सैंडोज और जैकेट्स. देन नीचे आएंगे कुछ डेली वेयर टी शर्ट्स, एकदम लूज कम्फी से. ये भी एक्चुअली ऐसे थोड़ा हैवी है, बट बहुत लूज है, तो मैं इसको ज्यादा पहनती नहीं हूँ बाहर, बट घर पे के लिए ये सब बेस्ट है. एंड ये थोड़े बाहर वाले टॉप्स, अभी दो ही है, मतलब क्योंकि वो अंदर आया, मैंने निकाला नहीं है. बट आई एम डैम श्योर कि मैं जब ये पूरा कर दूंगी तो मैं जरूर आपको बोलूंगी. एंड ये कुर्ती भी आ गई थी, अब पता नहीं मैं इसको यहाँ पे रखने वाली हूँ या कहीं और. बाय द वे, इट इज वेरी प्रीटी, स्लीवलेस है. तो अभी के लिए मैंने एज अ ऑप्शन यहाँ पे रखा है, बाद में देखते हैं. गाइस, मुझे एक बात बताओ, कितने बार ये हुआ है आपके साथ कि जब भी आप कबर्ड साफ करने बैठो या कुछ भी करने बैठो तो आपको ऐसी चीज मिलती है जो आपको पता ही नहीं था कि आपके ड्रॉअर में एक्सिस्ट भी करती है. लाइक सी दिस ब्यूटिफुल टॉप. मतलब ऐसे इतना कुछ खास नहीं, बट द पैटर्न इज वेरी गुड. तो लाइक ये ऐसे नॉर्मल स्लीव्स और ऐसा नेट है, देन ये स्लांट में नेट है, इसकी स्लीव्स नेट है. सो दिस इज बेसिकली ऐसा टॉप, ये साइड से नेट की स्लीव, ये साइड से नॉर्मल स्लीव. एंड मुझे एक बार एक पार्टी में जाना था वाइट पहन के, तब मुझे ये टॉप दिखाई नहीं. अगर दिखा तो नो आई शुड वेयर इट. मेरे पास ब्लू कलर का स्कर्ट था, मैं उसके साथ इसे वेयर कर सकती थी, बट मुझे दिखाई नहीं. सो आई जस्ट गो विद द नॉर्मल वाइट टॉप एंड स्कर्ट जो प्लेन था एकदम. बट ये कितना अच्छा लगता है यार, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम पहन लेंगे. सो गाइस, थोड़ा सा काम हुआ है. एंड एक्चुअली पहले मैंने सोचा था कि मैं कपड़ों को ना कलर वाइज रखूंगी, लाइक पिंक, वाइट, ब्लू. बट देन मैंने सोचा इतनी मेहनत क्यों करनी है, लाइक राइट. अरे क्या फायदा, वैसे भी ना बाद में सब ऐसे उलट फुलट ही हो जाता, तो आई थॉट के छोड़ो ऐसे ही रख देते हैं. सिर्फ एक साइड पे लाइक ऐसे कपड़े रखते जो मैं क्लासेस में पहनती हूँ, एक साइड पे कॉलेज वाले रख देते हैं थोड़े अच्छे वाले, एंड एक साइड पे जो बच्चे कुछ घर के कपड़े हैं वो रख देते हैं. सो लेट्स डू. अभी कलर वाइज इतना करने की मेरे में हिम्मत नहीं है, क्योंकि कल भी मुझे कॉलेज के इवेंट में जाना है. परसों मतलब कल जो यस्टरडे था, तभी भी मैं कॉलेज के इवेंट में गई थी. And I'm very tired, so ऐसे ही रख देते हैं. मुझे एक टॉप मिला, लाइक सी द स्लीव्स, ये इतनी बड़ी स्लीव्स है ये एक टॉप की. लाइक सी द टू स्लीव्स, ये मुझे पहली बार एक्चुअली देयर इज अ बैक स्टोरी. वेट फॉर 2 मिनट्स, देन आई टेल यू, जब तक मैं इसको ओवर लेती हूँ. सो गाइज, मैं बोल रही थी ना, वो टॉप के पीछे एक बैक स्टोरी है. तो वो ये थी कि लिटरली मैं ये एक बार टॉप बाहर पहन गई थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, एंड दे वर लाइक कि तू इतना बड़ा पंखा लेके कहाँ जा रही है. आई जस्ट लव द डिज़ाइन, बट पहनने का तो थोड़ा सा बड़ा. लाइक मेरे पास फोटो है, मैं फोटो इंसर्ट कर दूंगी. वैसे अच्छा लग रहा था नो डाउट पिक्चर में, बट असलियत में थोड़ा सा बड़ा बड़ा कुछ तो अजीब सा, बट स्टिल गुड वन.
सो गाइस फाइनली जितना सोचा था उतने कपड़े 100 आवर के हो चुके हैं। आई एम रियली वेरी हैप्पी क्योंकि एक तो बहुत टाइम से काम चल रहा था बट फाइनली हो गया। तो मैं आपको ऐसे थोड़ा ऐसे ऊपर ऊपर से बता देती हूँ थोड़ा सा पिंच ऑफ कि क्या मैंने कैसे रखा है। सो लेट्स गो। सो गाइस सबसे पहले तो ये एक छोटी सी ट्राइंगल जो भी इसको बोलते हो वो चेन में पहले यहाँ पे मैंने रखे मेरे बहुत सारे सैंडोज। लाइक लिटरली आई हैव अ बंच ऑफ सैंडोज। मुझे लगता है मैं सिर्फ लेयरिंग कर करके कॉलेज के बाकी के बचे हुए दिन निकाल लूंगी। एंड ये साइड पे है कुछ जैकेट्स श्रक शर्ट्स टाइप, ये भी बस बहुत है बट मैं लेयरिंग इतना करती नहीं हूँ। बट या दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट, ये ग्रीन एंड ब्लैक वाला कभी पहनूंगी तो बताऊंगी। एंड ये वाइट वाला भी एंड दिस ऑल। सो ये बड़े वाले रेक्टेंगल में है बहुत सारे कपड़े, लेट मी शो यू। तो ये साइड पे ना अच्छे अच्छे मतलब यू नो थोड़े प्लेन सॉलिड वाले और थोड़े ऐसे नॉर्मल वाले रखे हैं जो मैं क्लासेस में यूजुअली पहन के जाती हूँ। एंड ये मेरे घर के कपड़े एक्सेप्ट दिस, मतलब ये भी मैं आगे से इधर ही अभी शिफ्ट कर देती हूँ। हाँ तो मैं ये इधर शिफ्ट कर दूंगी बिकॉज मैं क्लासेस में पहन के जाती हूँ। एंड ब्लू वाले से मेरे घर के कपड़े हैं, मतलब मैं इसको पहन लेती हूँ। वैसे मैं इसको नहीं पहनती, जो बाहर है वो पहनती हूँ बट स्टिल ये भी वैसे ही है। नीचे का ये पूरा मेरा कॉलेज सेक्शन ये एक्चुअली थोड़ा बिगड़ गया बिकॉज मुझसे अवरा नहीं जाता है, लाइक छोड़ो। एंड यहाँ पे ये ऊपर थोड़े बहुत शर्ट्स है, नीचे क्रॉप टॉप्स है, ये थोड़े लंबे टॉप्स है, ये ऊपर ओवरसाइज है। एंड ये सबसे बेस्ट बिकॉज इसकी स्लीव बहुत अच्छी है। एंड ये थोड़े पॉम्पॉम वाले, दिस इज बेसिकली माय कॉलेज के टॉप्स। एंड यहाँ पे भी थोड़े टी शर्ट्स है, ये बेसिकली लेयरिंग्स के लिए है जो मैंने आपको ऊपर बताया ना शर्ट सैंडल्स, तो उसमें उसके लिए। एंड यहाँ पे आपको पता है मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई, लिटरली आई हैव 3 प्लेन वाइट टी शर्ट्स, लाइक 1 दिस इज अनदर 2 एंड दिस इज 3। और मुझे पता ही नहीं था, मैं इतना मर रही थी वाइट टी शर्ट के लिए। एंड देन इसमें अभी तक मैंने कुर्तीज रखी नहीं है, सिर्फ 2 ही रखी है बिकॉज मुझे कंटाला आ रहा था निकालने में। सो यार ये 2 कुर्ती है, दैट वॉज माई क्लोथ्स। अब जब दूसरा आवरूंगी तब बताऊंगी फिलहाल। सो गाइस व्लॉग बनाने के चक्कर में मेरा ये काम तो हो गया बट दूसरा काम है मेरा यहाँ पे जो शेल्फ है उसमें लाइक लिटरली ज्वेलरीज मेकअप आइटम स्किन केयर सब कुछ ऐसे के ऐसे ही पड़ा है, मुझे वो भी करना है। लाइक लिटरली आई हैव नॉट डन एनीथिंग और मुझे वो सब भी साफ करना है, पर वो तो हम ठीक है बाद में करके बिकॉज अब मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे को नहीं करना है। तो उसके लिए हम थोड़ा नेल पेंट रिमूव कर देते बिकॉज ये बहुत ऐसे निकल गई है लाइक सी। तो अभी इसको निकल के हम एक बहुत ही अच्छा मतलब डल ग्रीन कलर सा होता है वो लगाने वाले हैं, तो पहले इसको रिमूव करते हैं। सो गाइस लेट्स रिमूव आवर नेल पेंट। तो मैं यूज कर रही हूँ ये मेरे को लोकल मार्केट से मिला था नेल पेंट रिमूवर, सो आई एम यूजिंग दिस। मतलब ये वाइप्स आते हैं बेसिकली, इसमें 20 वाइप्स आते हैं आपको एक सिंगल लेने का एंड देन अपनी नेल पेंट हटा लेने का सिंपल। गाइज नाउ लेट्स पुट ऑन नेल पेंट। फाइनली मेरी नेल पेंट निकल चुकी है, मतलब मैंने निकाली ऑफकोर्स। एंड मैं ये वाला शेड लगा रही हूँ, सो ये मिस्को स्टूडियो का शेड 06 है। सो या आई एम अप्लाइंग दिस शेड, मुझे बहुत ज़्यादा मन था ये शेड लगाने का। यू नो कॉलेज में से न्यूट्रल डल टाइप्स कलर ही लगाते हैं ज़्यादा, तो या लेट्स अप्लाई दिस। The texture is really good. I just love the color. Oh God, that's the actually plus point for this. And इसलिए मैंने ये लिया था, I guess, right? सो गाइज दिस इज द शेड, लाइक आई जस्ट लव इट, दिस बहुत ही अच्छा शेड है। बाय द वे मेरे नाखून के शेप थोड़े अजीब है बट कोई नहीं, हम बाद में शेपिंग कर लेंगे जब। ही गाइज सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग एंड लिटरली व्लॉग के वजह से मेरे काफ़ी सारे काम हो गए, तो थैंक्स टू यू। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड मैं शॉर्ट्स भी डेली अपलोड करती हूँ तो वो भी ज़रूर जाके देखना। बाय।